अगर आप इस टाइम पे 10,000 रुपये के आसपास कोई फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको दो फ़ोन रेकमेंड किए जाएंगे, एक होगा Redmi Note 7 और दूसरा होगा Samsung Galaxy M20। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं इन दोनों फ़ोनों में से आपको कौन सा फ़ोन बेटर है, आपकी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफ़िल करता है। वैसे दोनों ही फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस और अट्रैक्टिव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम दोनों फ़ोनों का कंपेयर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा Samsung Galaxy M20 के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलेगा आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ पर आपको नॉच मिलेगी जिसे Samsung ने कहा है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। इसके कारण इसकी जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो बन जाता है 19.5:9 का। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, Samsung ने इस बार फुल HD प्लस डिस्प्ले दे दिया है। और यहाँ पर आपको 409 की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है TFT स्क्रीन के साथ। वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi Note 7 में 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी। यहाँ पर आपको जो पैनल दिया गया वो LCD है, बट ये पैनल जो है इन सेल LCD है, जो कि एनर्जी एफिशिएंट होता है अगर हम कंपेयर करें LCD से तो। और यहाँ पर भी आपको सेम डॉट टाइप नॉच मिल जाएगी, जो कि फ़ोन का एक्सपेक्ट रेशियो थोड़ा सा चेंज कर देती है। बिल्कुल दोनों ही फ़ोनों का एक्सपेक्ट रेशियो बिल्कुल सेम हो जाएगा 19.5:9 का। और स्क्रीन भी ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोनों की सेम है, बट यहाँ पर आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है Redmi Note 7 में। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होता है इन सेल LED डिस्प्ले, जो कि Redmi Note 7 में यूज़ किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि है दोनों फ़ोनों का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर किसी भी फ़ोन की जान होती है, फिर वो चाहे कोई सा भी फ़ोन हो। तो यहाँ पर जो Samsung प्रोवाइड करा रहा है अपने फ़ोन के अंदर प्रोसेसर, वो है उनका खुद का Exynos का 7904, जो कि बना है 14 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पे। इसमें थोड़ी सी कमी है अगर हम कंपेयर करें Note 7 के फ़ोन से, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है तकरीबन अगर हम कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन से, वो है स्नैपड्रैगन 632 के बराबर का। और जो कि Samsung का जो प्रोसेसर है Exynos 7904, वो 14 नैनोमीटर पे बना है, तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा खाता है। बट यहाँ पर आपको डुअल वोल्टी मिल जाता है, 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज और 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज भी मिल जाएगी। आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, इसमें कोई भी हाइब्रिड सॉल्यूशन नहीं है, यानी आप तीनों चीज़ों का एक साथ यूज़ कर सकते हैं, दोनों सिमों का, जो कि दोनों वोल्टी होंगी, और एक मेमोरी कार्ड को 512 GB तक का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम Redmi Note 7 के प्रोसेसर की बात करें, तो नो डाउट सबसे बेटर है, नया नहीं है बट सबसे बेटर है, क्योंकि इसमें यूज़ किया गया है सबसे पावरफुल अपनी इस रेंज में स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, जो कि आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ। ये भी बना है 14 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पर, जिसका मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज़ है 2.2 का, और इसमें जो GPU यूज़ किया गया है वो है एंड्रेनो का 512/650 MHz तक वर्क कर सकता है। और यहाँ पर भी आपको 3 GB रैम के साथ 32 GB स्टोरेज मिलेगी और 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, बट वो हाइब्रिड है, मतलब आप या तो सिर्फ 2 SIM यूज़ कर लीजिए, या तो 1 SIM या 1 मेमोरी कार्ड। तो अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो डेफिनेटली आपको स्नैपड्रैगन 660 ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है, तो कैमरा में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के कारण। क्योंकि यहाँ पर जो Samsung का प्रोसेसर है उसका मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज़ है 1.8, डुअल कोर और हेक्सा कोर है 1.6, तो डेफिनेटली आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस, डेली लाइफ परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन में ठीक ठाक मिलेगी, बट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सबसे बेटर मिलेगी Redmi Note 7 में। यहाँ पर Samsung का जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, जो GPU, वो है GPU माली G71MP2 का, जो कि थोड़ा सा कम है अगर हम कंपेयर करें स्नैपड्रैगन के 512 GPU से। तो अगर मैं प्रोसेसर्स की बात करूँ, तो डेफिनेटली आपको Redmi Note 7 Pro का प्रोसेसर का ही ज़्यादा बेटर मिलता है, क्योंकि जो 660 है भले 1 से 2 साल पुराना है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों की बैटरी की। तो यहाँ पर जो Samsung Galaxy M20 प्रोवाइड करा रहा है वो है एक मैसिव बैटरी, जो कि है तकरीबन 5000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ, जहाँ पर आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर दिया जाता है USB-C टाइप के साथ। जी हाँ, आपको इस बार इतनी कम रेंज में Samsung में भी USB-C टाइप मिल गया है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी स्पेशलिटीज़ बता दूँ। जैसे आप अगर 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के बाद आपको 23 घंटे का वॉच टाइम मिल जाएगा वीडियो का, वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi Note 7 में आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 के साथ,
बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर Redmi Note 7 के बॉक्स के अंदर आपको कोई भी फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने फ़ोन को फास्ट चार्जर करना है तो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा फास्ट चार्जर, तब जाके आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। तो डेफिनेटली बैटरी के मामले में तो Samsung Galaxy M20 विनर है, क्योंकि उसमें आपको फास्ट चार्जर भी मिल रहा है और जो बैटरी की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के सबसे मेन पॉइंट की, जो कि है दोनों फ़ोनों का कैमरा। तो यहाँ पर जो Samsung Galaxy M20 कैमरा प्रोवाइड करा रहा है, जो कि डुअल रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल का अपर्चर साइज होगा f1.9 का, पिक्सल साइज होगा 1.12 mm का, और जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए f2.2 अपर्चर के साथ। यहाँ पर आपको LED फ्लैश मिलेगा और 1080p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसका जो सेल्फी वाला कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। वहीं दूसरी तरफ आपको Redmi Note 7 में आपको डुअल रियर कैमरा मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है AI डुअल रियर कैमरा। जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपर्चर साइज है f2.2 और पिक्सल साइज है f1.25 mm का, और जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ इफेक्ट के लिए काम आता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चाइना में नोट 7 लॉन्च हुआ था वहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया था, बट जो इंडिया में नोट 7 लॉन्च हुआ है वहाँ पर आपको 12 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। Redmi Note 7 में आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ, और जो पिक्सल साइज होगा 1.12 mm का। तो डेफ़िनेटली अगर आपको कैमरा चाहिए है सेल्फी वाला तो डेफ़िनेटली Redmi Note 7 को परचेज़ कीजिए, और अगर मेन कैमरा भी चाहिए है तो Redmi Note 7 Pro को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नाइट फोटोग्राफी भी ऐड की गई है जहां पर आपको थोड़ी सी बेटर इम्प्रूवमेंट मिल जाती है नाइट में, क्योंकि इसमें AI है जिसके कारण वो फ़ोटो को और थोड़ा बेटर कर देता है। और यहां पर एक और चीज़ कि आपको यहां पर EIS का सपोर्ट मिल जाता है Redmi Note 7 में, और आपको स्लो मोशन वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है 1080p में 120 फ्रेम तक के। यहाँ पर आपको AI ब्यूटी भी मिल जाती है, बट Samsung Galaxy M20 में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों में फिंगरप्रिंट सेंसर्स और फेस आईडी की। तो यहाँ पर आपको Samsung Galaxy M20 में आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलेगा पीछे की तरफ, और फेस आईडी भी मिलेगी, मतलब आप अपने फेस से भी अनलॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन को। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 7 में भी आपको फेस आईडी भी मिलेगी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा पीछे की तरफ। तो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों में ही कोई अंतर नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के सेंसर्स की। तो आपको यहाँ पर Redmi Note 7 में आपको लगभग सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि Redmi अपने जितने भी फ़ोन होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे सेंसर प्रोवाइड कराता है, बट यहाँ पर Samsung Galaxy M20 में एक सेंसर मिसिंग होगा अगर हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 7 से, वो होगा IR ब्लास्टर। वैसे आपको बता दूँ कोई भी फ़ोन IR ब्लास्टर सेंसर नहीं देता है, क्योंकि ये काम आता है रिमोट कंट्रोलिंग के लिए, तो अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो भी आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फाइनली बात कर लेता हूँ, अगर आप एक गेमिंग यूज़र्स हैं, एक हार्डवेयर यूज़र्स हैं, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ, तो आप Samsung को छोड़ के Redmi Note 7 को परचेज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा पुराना है बट काफ़ी दमदार है, और यहाँ पर इसके फुल्ली टर्बो बूस्ट किया गया है, मतलब आपको स्नैपड्रैगन 660 फुल्ली मिलेगा, मतलब आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगी। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी से डिसएडवांटेज जैसे हैं कि आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्ज आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपको Redmi Note 7 में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको M20 में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और दोनों ही फ़ोनों में USB-C टाइप है और 3.5 mm जैक दोनों ही फ़ोनों में है, तो इक्वालिटी तो काफ़ी कुछ है, बट प्राइसिंग के मामले में देखा जाए तो विनर होता है नोट 7, क्योंकि इसकी जो प्राइस है मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपये ही है, और जो सैमसंग की प्राइस है वो है 10,990, तो 1,000 रुपये ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी जो दे रहा है वो दे रहा है Redmi Note 7। तो आपको एक अच्छा ऑप्शन है आपका गेमिंग के लिए, तो आप Redmi Note 7 परचेस कर सकते हैं, बट आपको एक लॉन्ग टर्म चाहिए, आपको कोई गेमिंग से मतलब नहीं है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए यूजेस करते हैं, तो आप M20 भी परचेस कर सकते हैं। तो वैसे ये दोनों मैंने बात करी है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के फ़ोनों के लिए, दोनों ही फ़ोनों में आपको 4GB की रैम भी मिल जाएगी, बट मैंने 3GB रैम के साथ इसका कंपैरिजन किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको
इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।